संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला गुना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लगातार हड़ताल जारी रही। सभी ब्लॉक के शास्त्री पार्क में लोग एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर मां गायत्री का आह्वान किया, दीपक जलाकर अपनी मांग पूरी करने हेतु प्रार्थना की। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से जिले से मैदानी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग कोरोना से फिर डरने लगे हैं। वहीं टीकाकरण, दवा वितरण, NCDRBSK, NRC, NBSU, SUN, आशा कार्यक्रम, हितग्राहियों के भुगतान और अन्य तमाम सारे चिकित्सीय सहायक कार्य में विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि हम सब स्वास्थ्य कर्मी हैं, सेवा करना हमारा उद्देश्य और धर्म है। हम किसी प्रकार की हड़ताल नहीं करना चाहते और मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना चाहते, परंतु शासन के द्वारा हमारे साथ जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, नियमित करने की कहने के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है, उसके कारण हमें मजबूरीवश हड़ताल करनी पड़ रही है। हमारी दो मांगे है, एक नियमितकरण, जब तक नियमित ना हो तब तक 90% वेतनमान और 5 जून 2018 की नीति के साथ साथ दूसरी मुख्य मांगे है निष्कासित साथियों की बहाली की जाए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिले के 450 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। ये आज जो कार्यक्रम रखा, क्या कार्यक्रम रखा गया? आज प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के आज हमारे गुना जिले में इस पंडाल में दीप यज्ञ किया जा रहा है। दीप यज्ञ का अर्थ है सरकार जो अंधेरे में है, अंधकार रूपी अहंकार में डूबी हुई है, सरकार से निवेदन है कि हम 20-20 वर्षों से संविदा कर्मी अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों का जीवन दुभर हो गया है और कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में हमने हमेशा मदद की है समाज की और हम आगे भी करना चाहते हैं। कोरोना जापान और चीन में खैर बढ़ पा रहा है, भारत ने भी दस्तक दे दी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी शीघ्र शिवराज सिंह जी हमारी मांगों को माने, निमित्त कर दें और हम इस पंडाल को छोड़ करके अपनी सेवा भावी स्वास्थ्य पे लौटे। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो रहा है और दीप यज्ञ जो हम करा रहे हैं उसमें अंधकार से उजाले की ओर जाने का हमारा सरकार से निवेदन है कि अपने अंधकार से जाग करके और अपने वादा खिलाफी से जाग करके हमें नियमित करे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश भार्गव, वरिष्ठ चिकित्सा पर्यवेक्षक के पद पर हूँ और एक संविदा पीड़ित कर्मचारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।